Hello guys, welcome to my channel Ali Teach. Today the topic of my presentation is white blood cell disorder. आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर है. आज हम वाइट ब्लड सेल के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे क्या है कि वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं. अगर ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा. अगर ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा. ल्यूकोपीनिया डिसऑर्डर ये क्या होगा. ल्यूकोसाइटोसिस डिसऑर्डर ये क्या होगा. और वो कौन से डिसऑर्डर होंगे जो कि एसोसिएट करते हैं ल्यूकोपीनिया के साथ. और ऐसे वो कौन से डिसऑर्डर होंगे जो कि ल्यूकोसाइटोसिस के साथ एसोसिएट करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स होते क्या हैं. वाइट ब्लड सेल्स आर क्रिएटेड इन बोन मैरो एंड आर द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम. वाइट ब्लड सेल्स हेल्प द बॉडी टू आइडेंटिफाई एंड फाइट अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. वाइट ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. ह्यूमन बॉडी मेक 100 मिलियन वाइट ब्लड सेल्स ईच डे. नॉर्मल रेंज ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स इज 5,000 to 10,000 इन 1 microliter ऑफ ब्लड. टाइप्स, 5 types of white blood cells: neutrophils, basophils, eosinophil, lymphocytes, monocytes. अभी हम white blood cells के बारे में बात करते हैं. White blood cells basically हमारे पास immunity system का एक हिस्सा है जो कि हमारे पास bone marrow के अंदर बनते हैं. White blood cells क्या करते हैं, basically कोई भी foreign particles बाहर से आता है तो उसको identify करना और उसके खिलाफ लड़ना इसका काम होता है, fight करता है उसके खिलाफ. और जितनी भी डिजीज आ जाती है, वैरायटी ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन आ जाते हैं, उसके खिलाफ लड़ना वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है. वाइट ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स है. अगर हम एवरीडे देखें, एवरीडे के हिसाब से देखें तो ह्यूमन बॉडी 100 मिलियन वाइट ब्लड सेल्स एवरीडे बनाती है. 1 microliter ऑफ ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल रेंज है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक है. आगे हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं. तो वाइट ब्लड सेल्स की हमारे पास 5 major types हैं. सबसे पहले न्यूट्रोफिल है, उसके बाद हमारे पास बेसोफिल है, फिर ओसिनोफिल है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स है. इंशाल्लाह हम इसको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. अभी हम वाइट ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि आया कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास देखने में कैसा होते हैं. ये जो आपको सेंटर के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये वाला, ये दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. अभी हम वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर पढ़ेंगे. वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू द हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट इंक्लूडिंग ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, कैंसर सच एज ल्यूकीमिया एंड हॉडकिन डिजीज, एलर्जेटिक रिएक्शंस. लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट डिसऑर्डर रिलेटेड टू द लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट इंक्लूडिंग डिजीज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम सच एज HIV एड्स, लिम्फोमा, अ कैंसर ऑफ बोन मैरो, डिजीज ऑफ लिवर और स्प्लीन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस. वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट. ऐसे अगर ब्लड बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ कौन कौन से डिसऑर्डर रिलेट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, उसके बाद बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, उसके बाद कैंसर सच एज ल्यूकीमिया आ जाता है, ये बेसिकली हमारे पास ब्लड कैंसर है, उसके बाद हमारे पास हॉडकिन डिजीज है एंड एलर्जेटिक रिएक्शन. तो इस केस के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का लेवल क्या होगा बॉडी के अंदर, ज़्यादा हो जाएगा. तो ऐसे डिसऑर्डर वो कौन से डिसऑर्डर होंगे जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का काउंट लेवल क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर कम हो जाएगा. उसमें सबसे पहले हमारे पास डिजीज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम सच एज HIV एंड एड्स है, और उसके बाद लिम्फोमा, अ कैंसर ऑफ बोन मैरो, उसके बाद डिजीज ऑफ लिवर और स्प्लीन, और उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो इस डिसऑर्डर के केस के अंदर वाइट ब्लड सेल्स का लेवल बॉडी के अंदर लो हो जाएगा. ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया इज अ कंडीशन इन विच लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट डिपेंड्स अपॉन द सेवरिटी नोन एज ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. देयर आर मेनी पॉसिबल कॉज इंक्लूडिंग मेडिकेशन, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून कंडीशन, कैंसर, विटामिन डिफिशियंसी. ल्यूकीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स काउंट
लो हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो और ये डिपेंड करता है उसकी सेवरिटी पे। मतलब ये कि अगर बॉडी के अंदर इसकी सेवरिटी हाई होगी तो हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लेवल है बॉडी के अंदर बहुत ही लो हो जाएगा। तो ल्यूकोपीनिया जो है, जिसकी वजह से ल्यूकोपीनिया इन्फेक्शन के लेवल को इंक्रीज करेगा। इसके बहुत सारे पॉसिबल काज हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेडिकेशन है, इन्फेक्शन है, ऑटोइम्यून कंडीशंस है, कैंसर है, विटामिन डिफिशेंसी। तो इस केस के अंदर ल्यूकोपीनिया का जो लेवल होगा बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस इज अ कंडीशन इन विच हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मीन योर बॉडी इज फाइटिंग ऑफ पेरिस इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। हाउएवर, हाई लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट इंडिकेट सीरियस कंडीशन सच एज ल्यूकीमिया। न्यूट्रोफीलिया ल्यूकोसाइटोसिस, इट इज़ अ कंडीशन इन विच हाई लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स कॉज इन्फेक्शन, ट्रूमा एंड इन्फ्लेमेशन डिजीज। व्हाइट ब्लड सेल्स विच हेल्प टू रिजोल्व इन्फेक्शन एंड हील डैमेज टिश्यूज। लेम्फोसाइटोसिस, इट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ लेम्फोसाइट्स कॉज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। व्हाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट योर लिम्फेटिक सिस्टम। मोनोसाइटोसिस, इट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ मोनोसाइट्स। इट काज इन्फेक्शन डिजीज लाइक मोनोन्यूक्लियोसिस एंड ऑटोइम्यून डिजीज लाइक ल्यूपस। व्हाइट ब्लड सेल्स बूस्ट योर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ओसिनोफिलिया, इट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ ओसिनोफिल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेज अ रोल इन फाइट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। बेसोफिलिया, इट इंडिकेट हाई लेवल ऑफ बेसोफिल्स काज इन्फेक्शन, सीरियस मेडिकल कंडीशन लाइक ल्यूकीमिया और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेज अ रोल इन फाइटिंग पैरासाइटिक इन्फेक्शन, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग एंड रिस्पॉन्स टू एलर्जेटिक रिस्पॉन्स। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है, जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अक्सर औकात देखने के अंदर यह है कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या आपकी बॉडी क्या कर रही होती है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ फाइट कर रही होती है। अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी क्या करेगी, फाइट नहीं कर सकेगी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ। जिस तरह उसको फाइट करना चाहिए लेकिन उस तरह वो फाइट नहीं कर सकेगी, तो जिसकी वजह से एक सीरियस कंडीशन काज करेगी जिसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली हमारे पास ल्यूकीमिया होता क्या है। ल्यूकीमिया बेसिकली हमारे पास बॉडी का कैंसर है जिसमें हमारे पास जो ऐसे टिश्यूज जो कि ब्लड को बना रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास बोन मैरो है, लिम्फेटिक सिस्टम है। इसमें यह होता है कि अगर ये कैंसर हो जाता है तो इस कंडीशंस के अंदर ये जो टिश्यूज़ हैं ये ब्लड को, व्हाइट ब्लड सेल्स को सही प्रॉपरली नहीं बनाएंगी। तो इसके अंदर बहुत सारी ल्यूकोपीनिया की कंडीशन टाइप्स इसके अंदर एग्जिस्ट होती हैं। कुछ फॉर्म्स जो है ना हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है ना फॉर्म बच्चों के अंदर हमें देखने को मिली हैं, और कुछ इसके अंदर ऐसी कंडीशंस, कुछ फॉर्म ऐसी थी ल्यूकीमिया की जो अगर हमारे पास एडल्ट के अंदर देखने को मिली हैं। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि अभी तक जो जो ल्यूकीमिया की जो एग्जैक्ट काज है वो हमारे पास अननोन है। अभी हम ल्यूकोसाइटोसिस की फर्दरली टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसकी फर्दरली अगर देखे जाए तो 5 हमारे पास मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रोफिलिया ल्यूकोसाइटोसिस आ जाते हैं। न्यूट्रोफिलिया ल्यूकोसाइटोसिस की केस के अंदर ये होता है कि आपका जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो इन्फेक्शन, ट्रूमा और इन्फ्लेमेशन डिजीज के केस के अंदर आपका जो न्यूट्रोफिल्स का लेवल है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपका जो इन्फेक्शन है उसको रिजॉल्व करे और हील अप करता है, आपके डैमेज टिश्यूज़ को हील अप करने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास लेम्फोसाइटोसिस आ जाता है। इसमें आपका जो लेम्फोसाइट्स का लेवल है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। मोस्टली जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के केस के अंदर आपका जो लेम्फोसाइट्स का लेवल है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होगा। इसमें आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस के अंदर आपका जो मोनोसाइट्स का लेवल है वो बॉडी के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इन्फेक्शन डिजीज लाइक मोनोन्यूक्लियोसिस एंड ऑटोइम्यून डिजीज लाइक ल्यूपस। तो इस कंडीशंस के अंदर आपका जो मोनोसाइट्स का लेवल है इन डिसऑर्डर की वजह से मोनोसाइट्स का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा।
इसके अंदर बेसिकली आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। ओसिनोफिलिया के अंदर ये होता है कि आपके जो ओसिनोफिल्स का लेवल है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। इसके अंदर आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फेक्शन के खिलाफ और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ फाइट आउट कर रहे होते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अगर सपोज अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो बॉडी का रिस्पॉन्स होगा, फाइट करेगा, जो फाइट करने की जो एबिलिटी होगी वो उस तरह रिस्पॉन्स वो उस तरह नहीं कर सकेगी जिस तरह उसको करना चाहिए, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन का रिस्पॉन्स भी सही नहीं करेगा। इस तरह आपका जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और स्किन डिसऑर्डर को जो ये आपको देखने के अंदर मिलेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसोफिलिया। बेसोफिलिया के अंदर जो आपका बेसोफिल्स का लेवल है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। इन्फेक्शन, सीरियस मेडिकल कंडीशन लाइक ल्यूकीमिया एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इस कंडीशन के अंदर आपको जो वाइट बेसोफिल्स का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट आउट कर रहे होते हैं, आपके ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं और एलर्जेटिक रिएक्शन को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अगर सपोज अगर बेसोफिल्स का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशंस के अंदर जो आपका जो एलर्जेटिक रिएक्शंस का रिस्पॉन्स होगा वो प्रॉपरली सही वाइट ब्लड सेल्स उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं हो सकेगा जिस तरह होना चाहिए। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, हमारे पास ये दिखने में कैसे होते हैं। बेसिक बेसोफिल लाइक दिस, न्यूट्रोफिल लाइक दिस स्ट्रक्चर, मोनोसाइट लाइक दिस स्ट्रक्चर, ओसिनोफिल लाइक दिस, लिम्फोसाइट लाइक दिस, प्लेटलेट लाइक दिस एंड एरिथ्रोसाइट नोन एज रेड ब्लड सेल लाइक दिस। दिस इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ होल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बेसोफिल्स लाइक दिस, न्यूट्रोफिल लाइक दिस, मोनोसाइट लाइक दिस एंड प्लेटलेट्स। दिस इज बेसिकली द होल ब्लड सेल पिक्चर यू कैन सी इन दिस पिक्चर क्लियरली। डिसऑर्डर एसोसिएट विद ल्यूकोपीनिया। Most of the white blood cells associated with leukopenia, like aplastic anemia, it's a condition in which bone marrow stop making enough red blood cells, white blood cells, and platelets. Aplastic anemia appear at any time, but diagnosed most often in children and young adults. Aplastic anemia is the part of inherited syndrome such as Fanconi anemia. Autoimmune neutropenia. It is a condition in which your immune system mistakenly attack and destroy neutrophils. Congenital neutropenia. A genetic disorder in which your body does not make enough neutrophils. Neutrophil cells is less than 500 cells per microliter. Fever is the most common symptoms of neutrophils. Cyclic neutropenia. Neutropenia refer to the low level of white blood cells. Cyclic neutropenia means that level drop and then return normal on the periodic basis. The period of neutropenia typically 3 to 5 days. The period return every 14 to 35 days, oftenly around 21 days. Symptoms, throat inflammation and skin infection. Disorder associated with leukopenia. ल्यूकोपीनिया के बारे में हमने फर्दरली प्रीवियसली हम वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इससे जो इसके साथ जो डिसऑर्डर एसोसिएट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं ये बोन मैरो के अंदर उसको बनाना आपकी जो बोन मैरो वो छोड़ देती है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो नहीं बनती कि जिस तरह उसको बनाना चाहिए वो नहीं बनाती, तो ये जो है ना किसी भी टाइम अपीयर हो सकता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ये जो है ना आपकी जो चिल्ड्रन और जो यंग एडल्ट है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली डायग्नोस होता है। एक एप्लास्टिक एनीमिया बेसिकली हमारे पास एक इनहेरिटेड सिंड्रोम है, जैसे कि हमारे पास फेनकोनिस एनीमिया है। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाता है ऑटोइम्यून न्यूट्रोपिनिया। ये भी एक बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएट करता है ल्यूकोपीनिया के साथ। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है मिस्टेकली खुद ही अपने सेल पे उसको अटैक भी करे और उसको डिस्ट्रॉय कर ले, लाइक न्यूट्रोफिल सेल्स जैसे, तो उसको उस पर अटैक भी करे, उसको डिस्ट्रॉय कर ले। इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, ऑटोइम्यून न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। कॉन्जेनिटल न्यूट्रोपिनिया ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका जो बॉडी है वो न्यूट्रोफिल्स को नहीं बनाएगा, जिस तरह बॉडी की रिक्वायर होती है रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो नहीं बनाएगा।
तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स काउंट का जो लेवल है वो 500 सेल्स माइक्रोलीटर से लेस देन हो जाएगा, तो बॉडी गोज इनटू द कॉन्जेंटल न्यूट्रोपिनिया की कंडीशंस के अंदर चली जाएगी। तो इसके अंदर फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसका है कॉन्जेंटल न्यूट्रोपिनिया का। उसके बाद आ जाता है साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया बेसिकली अगर आप देखें ना तो इसका वाइट ब्लड सेल्स का लेवल लो हो जाता है। तो साइक्लिक न्यूट्रोपिनिया का मतलब यह आ जाता है कि आपका लेवल ड्रॉप हो जाए, न्यूट्रोपिनिया का लेवल ड्रॉप हो जाता है, और फिर उसके बाद एक पीरियोडिक बेस की वजह से थी कि अगर हम पीरियोडिक बेस की जरिए हम इसको देखें तो इसका लेवल गोज ड्रॉप होने के बाद ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर कुछ दिन के बाद चला जाता है। इसका जो पीरियड है न्यूट्रोपिनिया का टाइपिकली 3 to 5 days है, और ये जो है ना ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर 34 to 35 days के अंदर रिटर्न हो जाता है। लेकिन ऑफ्टनली रिसर्च ये कहती है ऑफ्टनली अराउंड ये बेसिकली हमारे पास 21 days लेता है अपनी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जाने में, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास एक साइकिल है न्यूट्रोपिनिया के, एक साइकिल के अंदर चलता है। पहले ये ड्रॉप डाउन होता है इसका लेवल, फिर उसके बाद ये अपनी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर चला जाता है। इसके मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हमारे पास थ्रोट इन्फ्लेमेशन है और स्किन इन्फेक्शन है। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे ल्यूकोपिनिया की कंडीशंस को। ये आप देखें नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड्स एंड ल्यूकोपिनिया। यहाँ पे देखें ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ब्लड के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स की कंडीशन है वो नॉर्मल हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ल्यूकोपिनिया की कंडीशंस के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट का जो लेवल है वो लो है एज कम्पेयर टू ल्यूकोसाइट्स इस कंडीशन के केस के अंदर। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूकोपिनिया की कंडीशन है, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट लेवल कम है। तो इस इमेज की बेस पे आप देखें डिफरेंस कर सकते हैं ल्यूकोसाइट्स एंड ल्यूकोपिनिया की कंडीशन को क्लियरली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज CGD is a genetic disorder in which white blood cells called phagocytes are unable to kill certain types of bacteria and fungi. Leukocyte adhesion disease. It is a group of rare genetic disorder that affect the white blood cells' ability to fight infection. ये दोनों भी हमारे पास basically ये ऐसे disorder है जो कि associate करते हैं leukopenia के साथ। CGD यहाँ पे कहते हैं कि CGD हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपको जो वाइट ब्लड सेल्स है लाइक फैगोसाइट्स, जिसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं, ये बेसिकली आपके जो बैक्टीरिया और जो फंजाई है उसको किल नहीं कर सकेंगे इस डिसऑर्डर की कंडीशंस के अंदर। नॉर्मली फैगोसाइट क्या करता है बेसिकली वो बैक्टीरिया और फंजाई को इनगल्फ कर लेता है, तो इस कंडीशन इस डिसऑर्डर की कंडीशन के अंदर वो इसको इनगल्फ करते इनगल्फ नहीं करेगा और कहती है प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है ल्यूकोसाइट एडहेशन डिजीज। ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपका नॉर्मली ये होता है कि आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इन्फेक्शन के खिलाफ, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो उसके उसको उसके खिलाफ लड़ सकता है, फाइट कर सकता है, लेकिन इस डिसऑर्डर की कंडीशंस के अंदर वो इन्फेक्शन के खिलाफ प्रॉपरली उस तरह नहीं लड़ेगा जिस तरह उसको फाइट करना चाहिए। Another one is disorder associated with leukocytosis. The first one is chronic idiopathic neutrophilia. It is a condition in which neutrophils remain persistently elevated for no apparent reason. Hemolytic anemia. It is a disorder in which red blood cells die faster than they are made, oftenly due to an underlying genetic and autoimmune cause. Some diseases and conditions cause red blood cells to break down too soon, causing most common cause of hemolytic anemia is hemolysin produced toxin by certain bacteria and fungi that damage red blood cells. Idiopathic, another one is idiopathic thrombocytopenia. It is a condition in which your immune system mistakenly attack and destroy blood clotting cells called platelets. This condition is characterized by purpura. Another one is idiopathic thrombocytopenia. It is a condition in which your immune system mistakenly attack and destroy blood clotting cells called platelets. This condition is characterized by purpura, which are purple looking bruises on the skin. Lymphoma. It is a type of cancer that affects on the lymphatic system. The lymphatic system is a large network of vessels that carry fluid throughout the body.
lymphomas affect any part of lymphatic system and in severe cases spread to our organ outside of system. Myeloproliferative disorder. It is a disorder in which characterized by overproductions of one or more blood cells like white blood cells, red blood cells, platelets. System cause and treatment depends on the types and severity of that disorder. अभी हम leukocytosis के साथ जो disorder associate करते हैं उनको discuss करेंगे. सबसे पहले हम chronic idiopathic neutrophilia को discuss करते हैं. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो आपके न्यूट्रोफिल हैं वो परसिस्टेंटली एलिवेट तो होते हैं लेकिन कोई इसकी अपेरेंट रीज़न नहीं होती. उसके बाद आ जाता है हमारे पास हीमोलाइटिक एनीमिया. हीमोलाइटिक एनीमिया बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डेथ उनकी फास्टली होती है. जितने वो बनते हैं उससे ज़्यादा ये इनकी डेथ हो रही होती है. ये किसकी वजह से होता है? जेनेटिक और ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है. कुछ कंडीशंस कहते हैं कि कुछ कंडीशंस रिसर्च ये कहती है कि कुछ कंडीशंस और कुछ डिजीज और कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है. मोस्ट कॉमन काज जो है ना कहते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया की हीमोलाइसिस है. हीमोलाइसिस बेसिकली बैक्टीरिया और कुछ फंजाई प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देखें इसके अंदर जो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स की जो नॉर्मल लाइफ है वो हमारे पास 90 to 120 डेज है. लेकिन इस क्लिनिकल इस कंडीशंस के अंदर जो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है इसकी लाइफ 30 डेज से कम हो जाएगी तो ये अनीमिया की कंडीशंस के अंदर चला जाएगा जिसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे. दिस इज बेसिकली हीमोलाइटिक एनीमिया. उसके बाद हमारे पास आ जाता है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आ जाता है. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करता है आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग सेल है जैसे कि प्लेटलेट्स है इस पर मिस्टेकली अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है. तो इस कंडीशंस के अंदर परप्यूरा कंडीशंस देखने को सामने मिल आती है जिसमें आपकी जो स्किन है वो ब्लरिश कंडीशन होता है. ये सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है. तो इस डिसऑर्डर की कंडीशंस के अंदर अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशंस के अंदर आपकी स्किन क्या होगा? पर्पल कलर स्किन नजर आएगी. दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. इसके बाद आ जाता है लिम्फोमा. लिम्फोमा बेसिकली हमारे पास एक कैंसर की टाइप है जो कि अफेक्ट आपके लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है. लिम्फेटिक सिस्टम एक बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क होता है वेसल्स का जो कि आपका फ्लूइड को कैरी कर रहा होता है पूरी बॉडी के अंदर. तो इस कंडीशन के अंदर कैंसर होगा तो इस कंडीशन के अंदर आपका फ्लूइड बेसिकली क्या होगा? पूरी बॉडी के अंदर क्या फ्लूइड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगा. तो लिम्फोमा आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस पर अफेक्ट करेगा. तो स्फीयर कंडीशन के अंदर कहते हैं कि स्फीयर कंडीशन के अंदर ये होता है कि ये जो इसकी स्प्रेडिंग है ये सिस्टम के बाहर ऑर्गन तक फैल जाती है. तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है. इसके बाद आ जाता है हमारे पास माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर. ये कैसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी जो सेल्स है इसकी ओवर प्रोडक्शन होने लग जाती है. मतलब कि इसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्रॉस करके इसकी प्रोडक्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है. तो इंक्लूडिंग इसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ये प्लेटलेट्स आ जाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हमारे पास आपका बेसिकली ये होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ, फाइट आउट करने के. इन्फेक्शन कोई भी होता है बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? सबसे पहले रिस्पॉन्स करते हैं और फाइट आउट करते हैं. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? बेसिकली इसका ये फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं आपके लंग्स से टिश्यूज की तरफ. और आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कहते हैं कि इस डिसऑर्डर के अंदर जो इसकी सिम्टम्स काज एंड ट्रीटमेंट इसकी सेवरिटी पे डिपेंड करते हैं कि आए कि इस डिसऑर्डर की सेवरिटी कितनी है. तो इस सेवरिटी की बेस पे हम इसके साइंस, सिम्टम्स और काज डिपेंड्स करेंगे. अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स हमारे पास डायग्रामेटिकली कैसे नजर आते हैं. अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक ल्यूकोसाइटोसिस है, एक नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड है. नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड के अंदर देखें तो आप ये वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे 3 है. मतलब कि ये नॉर्मल अमाउंट के अंदर ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाए गए हैं. लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशंस के अंदर इसकी अमाउंट वाइट ब्लड सेल्स की ज़्यादा है. एज कम्पेयर टू ल्यूकोपीनिया की कंडीशंस देखें तो उसके अंदर सिर्फ एक ही वाइट ब्लड सेल्स थे, ये नहीं थे, सिर्फ एक ही थे. लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशंस के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है. तो इस इमेज की बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ल्यूकोसाइटोसिस
के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाई जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशंस। और आखिर में हम इसकी रेंज देखेंगे, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की रेंज डिफरेंट मैन फीमेल न्यू बर्न और चिल्ड्रन के अंदर कितनी रेंज पाई गई है, डिफरेंट रेंज है। मैन के अंदर 5000 से लेकर 10000 सेल्स पर माइक्रोलीटर है, फीमेल के अंदर इसकी रेंज 4500 से लेकर 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर है, न्यू बर्न के अंदर इसकी रेंज 9000 से लेकर 30000 सेल्स पर माइक्रोलीटर है, चिल्ड्रन के अंदर 5000 से लेकर 10000 सेल्स पर माइक्रोलीटर सेल्स है। इस रेंज की बेस पे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर इसकी 5000 से या ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, तो अगर इससे रेंज कम होगी तो हमारे पास कौन किसी कंडीशन होगी, ल्यूकोपीनिया की कंडीशंस होगी। राइट साइड पे आपको जो रेंजेस नज़र आ रही हैं, तो इस कंडीशंस के अंदर अगर इसकी लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशंस के अंदर हमारे पास ल्यूकोसाइटोसिस की कंडीशन नज़र आएगी। तो कौन कौन से डिसऑर्डर एसोसिएट कर रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस के साथ, वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ल्यूकोपीनिया के साथ कौन कौन से डिसऑर्डर एसोसिएट करते हैं तो मैंने डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया। सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।